नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10th ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जैसे हम जानते हैं कि बैटरी और सेल जो होते हैं वो सोर्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो केमिकल रिएक्शन जो सेल में जनरेट होती है उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल के बीच में, जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो हमें ये भी पता है कि अब करंट को मेंटेन रखने के लिए हमें लगातार बैटरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, तो जो एनर्जी इसको यूज़ में आती है वो क्या करती है, यूजफुल वर्क में यूज़ होती है। अब जो रेस्ट जो एनर्जी रह जाती है वो करती है उसको हीट कर देती है, मतलब कि हम कोई भी चीज़ लगा रहे हैं चाहे फ़ैन है चाहे कुछ भी है, तो उसमें जितनी भी एनर्जी उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं बैटरी से उसमें कुछ एनर्जी तो उसको मूव करने में यूज़ करती है, उसको हेल्प करती है, और कुछ एनर्जी जो है वो उसको हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, मतलब जिससे वो जो हमारा अप्लाइंसिस है वो गर्म हो जाता है, ये हमने रोज़ देखा है। तो यहाँ पे बोला है कि वो क्या है, वो किसकी वजह से होता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को मूव करने में प्रॉब्लम होगी जिससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब उस हीटिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हम इसको क्या करते हैं, ये हमें पता है कि ये चीज़ होती है, हम वही वायर यूज़ करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, और वो हम उसको यूज़ कर सके इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में। तो जैसे हमें पता है कि अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रही है जिसका रेजिस्टेंस आर है और पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो उसमें एक चार्ज जो होगा फ्लो कर रहा होगा, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, हम अभी निकालते हैं इसको, वर्क डन उसमें क्या आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि उसमें जो पहले क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो वी इंटू क्यू के इक्वल है, मतलब वोल्टेज जो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है उसके इक्वल है, और हमें पता है कि वी किसके इक्वल है, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर के इक्वल है, और क्यू का भी हमें पता है, क्यू जो है I इंटू टी के इक्वल है, जो हमने पीछे पढ़ा था, चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो करंट और टाइम के साथ होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को हम इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, W इक्वल टू V का आ जाएगा आई आर और T का Q का आ जाएगा आई टी, तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी W, हम W को H भी लिख सकते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। वर्क डन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो सेम हो गया। तो ये हमारा हो गया ये वाला। अब हम इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन, हमने पढ़नी है एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आती है किसमें, इन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस, कुछ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हैं उसमें, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस। अब इसमें क्या होता है, अप्लायंस जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, हीटर, ओवन, गीज़र, तो ये सब बेस्ड है किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, इसे हम जूल ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो बेस होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। तो यहाँ पे इसके अंदर जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, और ये फिलामेंट जो है हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन वायर का बना होता है, मतलब कितनी भी हीट आ जाए ये टूटता नहीं है। तो जब इसमें से करंट फ्लो करती है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है जिसकी वजह से ये ग्लो करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, तो अगर हम सेकेंड हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब और थर्ड है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो हमारे घर में जो होते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं, जो हमारे मेन बोर्ड से लगे होते हैं, तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर इज़ आल्सो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं वो भी किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ज़्यादा अगर लोड आ जाए किसी वोल्टेज का तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाती है और वायर टूट जाती है, जिसकी वजह से कनेक्शन टूट जाता है। तो जो फ्यूज़ वायर है वो बनी होती है लो मेल्टिंग अलॉय की, तो जल्दी मेल्ट नहीं होती है। तो वन लार्ज करंट पास थ्रू द करंट, जैसे बहुत सारी करंट उसमें पास करेगी तो फ्यूज़ वायर जो गर्म हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो टूट जाएगा और हमारी जो चीज़ें हैं, जो अप्लाइंसेस हैं उससे जुड़ी होंगी, वो सारी बच जाती हैं। तो ये होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस।